हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो Y21 में और एमआर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में, और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो वीवो की है 6.5 इंच की रेजोल्यूशन, 720 मल्टीपल 1600 पिक्सल, और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। और एमआई की डिस्प्ले 6.67 इंच की रेजोल्यूशन, 1080 मल्टीपल 2400 पिक्सल, और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। और डिस्प्ले क्वालिटी में एमआई बेस्ट है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो वीवो का है मेटे का P35 का CPU, 2.3 का हार्ड, ऑक्टे कोर का 12 नैनोमीटर्स का फिनफैट। और एम आई का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपडील का 720G का CPU, 2.3 का हार्ड, ऑक्टे कोर का और 8 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और GPU है 618 का। प्रोसेसर क्वालिटी में एम आई बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो एम आई का है डुअल जो मे सॉरी वीवो का है डुअल जो मेन कैमरा है 13 का F2 का, और एम आई का है क्वाड में जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का। बात की जाए फ्रंट कैमरे की, तो वीवो का है 8 का और एम आई का है 32 का, और कैमरा की क्वालिटी में एम आई बेस्ट है। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो वीवो में है 5000 mAh की, एम आई में है 5020 mAh की, और दोनों फ़ोन की बैटरी नोनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात की जाए चार्जर की, वीवो में है 18 वाट का, एम आई में है 33 वाट का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, दोनों में आपको ट्रिपल सिम मिलती है, दोनों की है वारंटी 1 साल की, कनेक्टिविटी है 3G और 4G की। वीवो में रैम है 4 GB की, एम आई में है 4 GB और 6 GB की, और वीवो की मेमोरी 128 GB की, एम आई में है 64 GB 128 GB की। और वीवो में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है, एम आई में है एंड्रॉयड 10। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो वीवो का है 15,499 रुपये और एम आई का सेम है। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप एम आई के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है वीवो से, बाकी आपकी चॉइस है।